हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो TUEE एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी को टॉप 50+ MCQ सिखाऊंगी ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, ताकि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी वो भी क्लियर हो जाएंगे। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा आफ्टर व्यूइंग दिस होल वीडियो। ओके, और स्टार्टिंग दिस सेशन में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग TUEE एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो पार्ट आप सभी लोग इस कंप्लीट कोर्स की मदद से ही प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं इन ओनली द रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी है। हम आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF देते हैं, ताकि आप सभी लोग एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सके। एंड एज वेल आपको गारंटीड इसी में से 80% MCQs मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ TUEE एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, विच इज रियली वेरी लो। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि आप सभी लोगों का एडमिशन तेजपुर यूनिवर्सिटी में हो जाए। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है, कि आप गारंटीड यहाँ के जो TUEE एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आप क्वालिफाई हो जाओ। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। नाउ द क्वेश्चन वन इज अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स जीरो डिफरेंस और नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू इज नोन एज। सो इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो हमें स्टेट करता है और बताता है कि जो पैरामीटर है एंड उसकी जो अज्यूम्ड वैल्यू है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, या फिर उनके बीच में जीरो डिफरेंस है। सो वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस और वेदर इट इज नल हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, पैरामीटर का मतलब होता है कि वेरिएबल एंड जिसको आप एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हो, एंड अज्यूम्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी प्रेडिक्ट वैल्यू। ओके, मतलब वेरिएबल की प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड पैरामीटर यानी कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, जो आपको दिखती है वो वैल्यू एंड जो वैल्यू आपने प्रेडिक्ट की है वो वैल्यू। ओके, सो लेट अस सी दीज हाइपोथेसिस टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सिंपल हाइपोथेसिस हमें प्रेडिक्ट करता है कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सो बेसिकली सिंपल हाइपोथेसिस हमें स्टेट करता है कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर उनके बीच में रिलेशन है सो इसका मतलब ये है कि अज्यूम्ड वैल्यू एंड पैरामीटर की जो वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस है। सो देर इज डिफरेंस। ओके, एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल हाइपोथेसिस नहीं होगा। डिरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इसमें भी आप यही अज्यूम करते हो कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट उसके अलावा आप इसमें एक डिरेक्शन भी बताते हो कि किस डिरेक्शन में आपका हाइपोथेसिस जा रहा है। सो बेसिकली ये डिरेक्शन इधर पॉजिटिव होती है या फिर निगेटिव होती है, और यू कैन से राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड, एंड दैट्स व्हाई इसे डिरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे ही आप इसमें
प्रेडिक्ट करते हो कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो पैरामीटर्स है एंड उनकी जो अज्यूम्ड वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस है, देर इज डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अगेन द टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इसमें भी आप बताते हो कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट इसमें कोई भी डिरेक्शन आप बताते नहीं हो कि वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव या फिर राइट टेल्ड है या फिर लेफ्ट टेल्ड है एंड दैट्स वाई इसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है. जैसे ही आप इसमें बताते हो कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, सो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू में डिफरेंस है. सो येस देर इज डिफरेंस एंड दैट्स वाई दिस ऑप्शन अगेन गेट्स एलिमिनेटेड. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4, बिकॉज नल हाइपोथिसिस इज द हाइपोथिसिस जो हमें बताता है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दैट्स वाई नल हाइपोथिसिस आपको बताता है कि there is zero difference or no difference between the parameter and its assumed value. Okay? When a researcher rejects a true null hypothesis in his or her study and accepts the alternate hypothesis, what type of error is likely? So, agar researcher सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है स्टडी में एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, देन उसमें किस प्रकार की एरर आ सकती है. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, स्पेशली आप नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हो किसी भी रिसर्च में, सो जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें दो प्रकार के एरर्स आते हैं. पहला है टाइप 1 एरर एंड दूसरा है टाइप 2 एरर. सो टाइप 1 एरर आती है जब आपका नल हाइपोथेसिस ये सही होता है, इट इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, बट स्टिल फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, देन इन दिस सिचुएशन बेसिकली टाइप 1 एरर आती है. एंड टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट स्टिल आप उसको एक्सेप्ट करते हो. सो इन दिस सिचुएशन टाइप 2 एरर आती है. बट यहाँ पे आपको जो पूछा है इसमें नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर रहा है एंड ही इज एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो ये बात हमेशा रिमेंबर करो कि जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन ऑब्वियसली आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड वाइस वर्सा, ये हमेशा रिसर्च में होता ही है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस विल बी 1, टाइप 1 एरर, बिकॉज इस सिचुएशन में टाइप 1 एरर आएगी. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड. ओके, सो जब भी रिसर्च में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये एक्सेप्टेबल है एंड इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे हो, सो उस रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है और चांसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेदर इट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन रेंज, वेदर इट इज कॉल्ड एज डिमार्केशन रेंज और वेदर इट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इंसिडेंस और पावर. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है पावर. ओके, सो पावर का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर. ओके, टाइप 2 एरर जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि जब भी नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप 2 एरर ऑकर्स एंड उसको अवॉइड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर चांसेस होते हैं उसे पावर कहा जाता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई पावर का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. नाउ रिजेक्शन रेंज का मतलब होता है कि क्रिटिकल रेंज. ओके, एंड इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है, सो दीज वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एंड दैट्स व्हाई ये सब जो वैल्यूज होती है एंड इनके ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे, ओके, देन आपका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा.
सो बेसिकली इन वैल्यूज के ऊपर अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे देन आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा. सो यानी कि रिजेक्शन रेंज इसमें जो वैल्यूज होती है वेरिएबल्स की, बेसिकली ये वैल्यूज रिजेक्ट करने के लायक होती है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इसे रिजेक्शन रेंज और क्रिटिकल रेंज कहा जाता है. डिमार्केशन का मतलब होता है कि एक बाउंड्रीज बनाना और एक लिमिटेशंस बनाना. ओके, नॉर्मेटिव इंसिडेंस यानी कि नॉर्मेटिव डेटा, एंड नॉर्मेटिव डेटा ये एक रेफरेंस डेटा होता है जिसको आप रेफरेंस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हो. सो दिस रेफरेंस डेटा इज यूजफुल फॉर अस ताकि हम हमारे रिसर्च डेटा के साथ उनको रेफर कर सके और कंपेयर कर सके. सो बाय कंपैरिजन आपको समझ में आता है कि वेदर यूअर डेटा इज एलिजिबल और नॉट, या फिर यू नो आप रिजल्ट्स के साथ भी इस डेटा को मैचअप कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मेटिव डेटा विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट द रेफरेंस डेटा. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4. हाइपोथेसिस दैट इज ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज. सो जो हाइपोथेसिस है जो कि नल हाइपोथेसिस के ऑल्टरनेटिव है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एच जीरो, एच वन, एच ऑल्ट और एच विच इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो बेसिकली स्टूडेंट्स रिसर्च में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है वो है नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो जो ऑल्टरनेटिव है नल हाइपोथेसिस के लिए उसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है या फिर उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम हमेशा एच वन या फिर एच ए से डिनोट करते. सो एच वन या फिर एच ए बिकॉज हम लोग नल हाइपोथेसिस को एच जीरो से डिनोट करते हैं एंड दैट्स वाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच वन से डिनोट किया जाता है या फिर एच ए से. एंड हियर ए इज फॉर ऑल्टरनेटिव. ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2, दैट इज एच वन. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन एच वन एंड एच ए एल टी, बट एच ए एल टी से हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अगेन एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इससे भी आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. सो यू रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस थ्रू ओनली एच वन और एच ए. ओके, अ गुड हाइपोथिसिस मस्ट पजेस द फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं. ओके, सो हमें इनमें से सही कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस सी वन बाय वन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. सो हाइपोथेसिस के पास वो सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिस पर हम उसको टेस्ट कर सके. अ गुड हाइपोथेसिस कैन डिफाई लॉ ऑफ नेचर. सो गुड हाइपोथेसिस ये ऐसी होनी चाहिए जो यू नो नेचर के लॉस को चुनौती दे. हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. सो हाइपोथेसिस में काफ़ी सारी स्पष्टता होनी चाहिए एंड एज वेल इट शुड बी प्रिसाइज. अ गुड हाइपोथेसिस परमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. सो गुड हाइपोथेसिस में हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का एप्लीकेशन दे सकते हैं. हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप. सो हाइपोथेसिस ये यू नो स्कोप में अनलिमिटेड होना चाहिए, यानी कि उसका स्कोप बेसिकली अनलिमिटेड होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस के पास वो सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें. सो दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, बिकॉज हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें. ओके, एंड दैट्स वाई दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द हाइपोथेसिस. गुड हाइपोथेसिस कैन डिफाई लॉ ऑफ नेचर. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज गुड हाइपोथेसिस ये हमेशा ऐसा होना चाहिए विच शुड एक्सेप्ट द लॉज ऑफ नेचर एज इट इज. मतलब नेचर में जितने भी सारे लॉज है वो लॉज गुड हाइपोथेसिस ने वैसे ही वैसे परमिट करने हुए चाहिए. ओके, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. येस, दिस इज वन ऑफ द अगेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, बिकॉज हाइपोथेसिस ये हमेशा क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, यू नो हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर कि वो हमें क्लियरली बता सके एग्जैक्टली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एग्जैक्टली वेरिएबल्स है क्या,
बिकॉज अगर आप हाइपोथेसिस को क्लियरली एंड प्रिसाइजली मेंशन नहीं करोगे देन बिकॉज ऑफ दैट आपके रिसर्च के रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी वो बिगड़ जाएगी. ओके, अ गुड हाइपोथेसिस परमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. येस अगेन दिस इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग ये एक रिसर्च मेथड का अप्रोच है. एंड इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस आपने फॉर्म्यूलेट किया हुआ है उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ओके, सो उसे डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है. ओके, विच इज द रीजनिंग विच इज बेस्ड अपॉन द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस एंड एज वेल उसके लिए आपके पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डेटा होता है एंड एज वेल एविडेंसेस भी होते हैं. एंड दैट्स व्हाई अगर ऐसा कोई भी हाइपोथेसिस है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम डिडक्टिव रीजनिंग से उसे टेस्ट कर सके देन ऑब्वियसली ये हमेशा हमारे लिए गुड हाइपोथेसिस ही रहता है. ओके, हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट और इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस बिकॉज हाइपोथेसिस ये हमेशा स्कोप में लिमिटेड होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस ये हमेशा नैरोवर होना चाहिए बिकॉज जितना हाइपोथेसिस नैरोवर होता है उतना ही वो क्लियर एंड प्रिसाइज होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू, ए सी एंड डी ओनली, बिकॉज यही सिर्फ गुड हाइपोथेसिस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. A statement made about a population for testing purpose is called. So, इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो हम लोग population के बारे में बताते हैं ताकि हम population को test कर सके. So, whether it is statistic, whether it is hypothesis, whether it is level of significance or whether it is test statistic. So, students, जो स्टेटमेंट होता है जो हम लोग बनाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन ताकि हम उसको टेस्ट कर सके सो उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है. सो बेसिकली हाइपोथेसिस ये क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है विच इज नथिंग बट द प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च. ओके, एंड हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन को प्रॉपरली टेस्ट कर सके बिकॉज अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम है बट यू कांट टेस्ट इट बिकॉज रिसर्च प्रॉब्लम में यू नो क्लैरिटी नहीं होती है, उसमें प्रिसीजन नहीं होता है, सो यू कैन टेस्ट इट. बट अगर आप हाइपोथेसिस को बनाते हो देन ऑब्वियसली यू कैन टेस्ट इट. ओके, नाउ स्टैटिस्टिक बेसिकली इज रिलेवेंट टू द डेटा. ओके, सो बेसिकली यू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द डेटा, राइट, एंड बेस्ड अपॉन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आप डेटा को यू नो मेजर करते हो सो इट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक. एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट किया जाता है रिसर्च में. एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो एंड जब भी आप यू नो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन आपकी सिग्निफिकेंस लेवल बहुत अच्छी होती है. बट अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो सॉरी अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन सिग्निफिकेंस लेवल बहुत कम होती है. सो बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बढ़ती है या फिर डिक्रीज होती है ये आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या फिर एक्सेप्ट करते हो इसके ऊपर डिपेंड रहता है. ओके, एंड एज वेल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज रिलेवेंट टू द पी वैल्यू जो कि हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे सो डोंट वरी. एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हाट इज दिस. सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक नंबर है. ओके, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. सो जब भी आप हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से टेस्ट के जरिए कैलकुलेट करते हो देन उसमें जो आपको नंबर मिलता है सो दिस इज नथिंग बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक. एंड दैट्स व्हाई जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि स्टैटिस्टिक ये क्या है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको आप जब भी आप डेटा को देते हो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है एंड बेस्ड अपॉन दैट आप उसको मेजर भी करते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A statement whose validity is tested on the basis of a sample is called. So, इनमें से कौन सा hypothesis ऐसा है जो कि एक statement है जिसकी value आप sample के आधार पर test कर सकते हो और जिसकी validity आप sample के आधार पर test कर सकते हो.
सो वेदर इट इज नल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस और वेदर इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पहले देखा कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वैलिडिटी आप सैंपल के आधार पर टेस्ट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू। ओके, कंपोजिट हाइपोथेसिस ये भी एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, बट इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं करते हो। ओके, बेसिकली इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं इनको आप एग्जैक्ट वैल्यू देते नहीं हो। ओके, विच इज कॉल्ड एज कंपोजिट हाइपोथेसिस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू। Which of the following is defined as the rule or formula to test a null hypothesis? Now, इनमें से कौन सा रूल या फिर फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप null hypothesis को टेस्ट करते हो? So, whether it is test statistic, whether it is population statistic, whether it is variance statistic or null statistic. So, students, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक नंबर है okay, जो हमें मिलता है जब भी आप हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से टेस्ट करते हो या फिर कैलकुलेट करते हो। एंड दैट्स व्हाई जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हो जो उसके लिए जो फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी वन। ओके, सो बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको एग्जैक्टली दिखाता है कि जो आपका ऑब्जर्व्ड डेटा होता है मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है उनके साथ कितनी मैच करती है और कितनी नज़दीक है या फिर कितनी फार अवे है। ओके, एंड एज वेल इट इज़ यूज टू कैलकुलेट पी वैल्यू ऑफ योर रिजल्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको मदद करता है, एंड ये आपको हेल्प करता है ताकि आप डिसाइड कर सके कि वेदर आपको नल हाइपोथिसिस को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट कि नल हाइपोथेसिस को अगर आपको टेस्ट करना है देन उसके लिए आप टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करोगे। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट द टेस्ट जिसके जरिए आप पॉपुलेशन को मेजर कर सको। देन वेरियंस स्टैटिस्टिक, सो वेरियंस ये खुद ही इटसेल्फ एक स्टैटिस्टिक है जो बेसिकली हमें बताता है कि रैंडम वेरिएबल्स के वैल्यू उनके मीन से कितनी दूरी पर है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन ओके ऑफ द होल डेटा सेट फ्रॉम द ईच एंड एवरी डेटा सेट। ओके, सो दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी वन। टाइप वन एरर ऑकर्स व्हेन, सो टाइप वन एरर ये कब आती है ये तो हमने देखा इसी वीडियो में। वी रिजेक्ट एस जीरो इफ इट इज ट्रू, वी रिजेक्ट एस जीरो इफ इट इज फॉल्स, वी एक्सेप्ट एच जीरो इफ इट इज ट्रू, वी एक्सेप्ट एच जीरो इफ इट इज फॉल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा कि एच जीरो इज द रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ नल हाइपोथेसिस, राइट। अगर आपको नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करना है देन आप उसको एच जीरो के जरिए रिप्रेजेंट करोगे, एंड जब भी आप सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप वन एरर आती है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन। एंड ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू आंसर देम करेक्टली। ओके, नेक्स्ट इज इन वन टेल टेस्ट फॉर द पॉपुलेशन मीन इफ द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू देन। ओके, सो आप पॉपुलेशन मीन के बारे में स्टडी कर रहे हो एंड उसके लिए आप वन टेल टेस्ट कर रहे हो। सो वन टेल टेस्ट ये कब की जाती है, जब भी आपका हाइपोथेसिस ये नॉन डिरेक्शनल होता है तब, सॉरी डिरेक्शनल होता है तब। ओके, जब भी आपका नल हाइपोथेसिस ओके एंड एज वेल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये डिरेक्शनल होता है। सो बेसिकली मोस्टली
जब भी आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या डिरेक्शनल होता है, सो इन दैट केस आप वन टेल टेस्ट को फॉलो करते हो, बिकॉज इसमें आप असाइन करते हो कि एग्जैक्टली किस डिरेक्शन के साथ आपके रिसर्च के रिजल्ट जा रहे, सो वेदर पॉजिटिव की तरफ या फिर निगेटिव की तरफ या फिर राइट या फिर लेफ्ट टेल की तरफ, ओके, एंड दैट्स व्हाई इसे वन टेल टेस्ट कहा जाता है। एंड इसको करते वक्त अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया है, सो इसका मतलब ये है कि आपने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है व्हेन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो सही है, सो इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस गलत है। एंड नल हाइपोथेसिस गलत है बट फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, सो लेट अस सी ऑप्शंस। टाइप वन एरर इज कमिटेड, टाइप टू एरर इज कमिटेड, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड, देन अ टू टेल टेस्ट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ वन टेल टेस्ट। सो इस सिचुएशन में टाइप टू एरर आएगी बिकॉज नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट स्टिल आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। All of you getting, and that's why your correct answer should be 2. One is, which of the following is a non-parametric test? Now, इनमें से कौन सी non-parametric test है? Whether it is F-test, chi-square test, Z-test or T-test. So, students, statistical test में दो प्रकार के test होते हैं, जिसमें से पहला है parametric tests and दूसरा है non-parametric tests, okay? सो पैरामेट्रिक टेस्ट्स हम लोग करते हैं जब डेटा बेसिकली ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, एंड इसमें डेटा को वो सारे अजम्पशंस यू नो अलाउ करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओके, सो ये सारे बेसिकली अजम्पशंस होते हैं, जो अजम्पशंस अगर फुलफिल होते हैं डेटा के बारे में, देन तब भी हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को कर सकते हैं। बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी अजम्पशंस नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग करते हैं जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट डेटा के फुलफिल न होने की वजह से ना कर सके, ओके। सो इसमें से एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, ओके, ये तीनों भी बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट से, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। सो काई स्क्वेयर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ओके, बिकॉज काई स्क्वेयर टेस्ट में हमें इन सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल होना चाहिए, देन वेरिएबल्स की वैल्यूज बेसिकली न्यूमेरिकल होनी चाहिए। सो यहाँ पे वेरिएबल्स कैटेगरिकल होते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल्स यानी कि जिनको आप सिर्फ क्लासीफाई करते हो, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स, ओके, दैट्स व्हाई काई स्क्वेयर टेस्ट ये हम लोग करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो सैम्पल डेटा होता है, मतलब जो डेटा जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो एंड जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड डेटा होता है उनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है, वो आप लोग काई स्क्वेयर टेस्ट की मदद से जान सकते हो। सो बेसिकली इट टेल्स यू हाउ वेल सैम्पल डेटा फिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, ओके, फाइन। सो एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि इन तीनों ही टेस्ट में हमें अजम्पशंस फुलफिल करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि एफ टेस्ट में भी आपको यू नो डेटा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जेड टेस्ट में भी, टी टेस्ट में भी, ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, नाउ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ आप कौन से टेस्ट से टेस्ट कर सकते हो, सो वेदर इट इज टी टेस्ट, वेदर इट इज एफ टेस्ट, वेदर इट इज काई स्क्वेयर टेस्ट, वेदर इट इज जेड टेस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, गुडनेस ऑफ फिट ये एक टेस्ट है, ओके, एंड बेसिकली दिस इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट, एंड ये आपको समझने में मदद करता है कि आप जान सको एग्जैक्टली कि आपका जो सैंपल डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होता है या नहीं होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो गुडनेस ऑफ फिट एग्जैक्टली आपको बताता है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है एंड जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज बेसिकली एक दूसरे के साथ इक्वल है या फिर डिफरेंस है उनके बीच में। सो ये आप लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से देख सकते हो, एंड गुडनेस ऑफ
फिट टेस्ट, फर्स्ट स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड चूज सिग्निफिकेंस लेवल एंड डिटरमिन क्रिटिकल वैल्यू. सो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में आप लोग सबसे पहले नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाते हो, देन आफ्टर दैट आप सिग्निफिकेंस लेवल को चूज करते हो, देन आफ्टर दैट आप क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमिन करते हो. ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली व्होल नंबर्स होते हैं, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हो. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई इसमें व्होल नंबर्स होते हैं. व्होल नंबर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. जो यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है यानी कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स है. ओके, बिकॉज ये व्होल वैसे की वैसे नंबर्स है और वैसे की वैसे वेरिएबल्स है. ओके, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल मेथड से वेरिएबल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये वेरिएबल्स बेसिकली न्यूमेरिकल होते ही नहीं है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि द वेरिएबल्स ओवर हियर आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड दे आर कैटेगरिकल वेरिएबल्स. ओके, एंड दैट्स वाई गुडनेस ऑफ फिट, ये जो टेस्ट है ये आप काई स्क्वेयर टेस्ट से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था. सो काई स्क्वेयर टेस्ट इज यूजफुल टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ अ फिट. ओके, एंड यहाँ के जो बाकी के टेस्ट है यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि हमने देखा. सो टी टेस्ट आपको बताता है कि हाउ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स आर. सो फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स है, सो इनके बीच के डिफरेंसेस कितने सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि उनके बीच में कितने डिफरेंसेस है दो ग्रुप्स के बीच में, ये आप टी टेस्ट की मदद से टेस्ट कर सकते हो. देन वॉट इज एफ टेस्ट? सो एफ टेस्ट का मतलब होता है रेशो बिटवीन टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वेयर वेरिएट्स दैट आर डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एफ टेस्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वेयर वेरिएबल्स है. ओके, जैसे कि अगर एक वी वन वेरिएबल है एंड उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया अपॉन दूसरा वेरिएबल, उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन किया. सो बेसिकली ऑल दिस रेशो इज नथिंग बट द एफ टेस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज जेड टेस्ट? सो अगेन जेड टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इट टेस्ट इफ रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट आर वैलिड और रिपीटेबल. सो आपको जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रॉम द टेस्ट, सो बेसिकली वो रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैलिड है या फिर रिपीटेबल है, ये आप जेड टेस्ट से देख सकते हो. That's why your correct answer over here is 3. Next is, which test are normally apply for qualitative data? Now, इनमें से कौन सी टेस्ट ऐसी है जो आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो? सो रिसर्च में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. वैसे ही दो प्रकार के डेटा भी होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव. सो क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा जो कि वर्ड फॉर्मेट में या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होता है, बट जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स उसमें होते हैं एंड उन न्यूमेरिकल्स की मदद से आप उस डेटा को मेजर कर सकते हो बाय द डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स. बट क्वालिटेटिव डेटा का ऐसा नहीं होता है, उसमें वर्ड एंड पिक्चर्स फॉर्मेट होते हैं, बट स्टिल यू कैन स्टैटिस्टिकली मेजर द क्वालिटेटिव डेटा, बट स्टिल उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी आते हैं. सो अगर ऐसे डेटा को अगर आपको टेस्ट करना है, देन ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो कैटेगरिकल डेटा होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया. बट पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है, एंड कैटेगरिकल डेटा इज द डेटा विच इज नथिंग बट द क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज जिसको आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो, राइट, आप उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो. सो दैट्स वाई फ्रॉम दीज ऑप्शंस, जैसे कि टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वेयर टेस्ट है एंड जेड टेस्ट है, सो इनमें से सिर्फ काई स्क्वेयर टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट, एंड दैट्स वाई बेस्ड अपॉन दिस टेस्ट ओनली आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली टेस्ट कर सकते हो, बाकी के टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट. अ रिसर्चर फाउंड कैलकुलेटेड टी वैल्यू सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल
बिटवीन टू मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड स्टेट स्कूल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ अबव. सो एक रिसर्चर है एंड उसने क्या किया, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स मतलब उनकी जो अचीवमेंट है, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट एंड स्टेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, ऐसे दो ग्रुप्स बनाए एंड उन दो ग्रुप्स के उसने मीन्स कैलकुलेट किए. जैसे कि M1 इज़ द फर्स्ट मीन, M2 इज़ द फर्स्ट मीन एंड इन मीन्स के ऊपर उसने टी टेस्ट की वैल्यू निकाली एंड वो वैल्यू उसको 0.05 मिली एंड बेसिकली दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट. ओके, सो ये यहाँ पे सिचुएशन है. सो बेस्ड अपॉन दिस सिचुएशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स. नल हाइपोथेसिस मे बी रिटेन्ड एंड रिसर्च हाइपोथेसिस इज ऑल्सो रिटेन्ड. इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस रिटेन हो सकता है एंड रिसर्च हाइपोथेसिस रिटेन हुआ है. रिटेन का मतलब होता है कि वहाँ पे है, मतलब हम लोग रख सकते हैं. नल हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है. रिसर्च हाइपोथेसिस भी रिटेन हो सकता है, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस को आप रख सकते हो बट नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे और मे बी इट कैन बी रिजेक्टेड. बोथ हाइपोथेसिस नल एंड रिसर्च आर रिजेक्टेड. सो दोनों ही हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है. नो डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर एंड इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के आधार पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन एवरीथिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन बेसिकली मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो अगर मीन्स अगर एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है देन इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही मीन्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है एंड दैट्स वाई आपको टी टेस्ट करने के बाद जो सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली है वो मिली है 0.05. ओके, सो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आप नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे एंड साथ ही आप रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको आप एक्सेप्ट करोगे और इट मे बी रिटेन्ड. सो दिस इज़ द रूल ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिकॉज हाइपोथेसिस में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. ओके, सो अगर आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे टी टेस्ट है सो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिली है. सो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मीन्स के बीच में डिफरेंस है. ओके, एंड अगर डिफरेंस है देन ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होगा एंड अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा देन ऑब्वियसली आप रिसर्च और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे. सो दिस इज द बेसिक रूल एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू बिकॉज नल हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड एंड रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी रिटेन्ड. सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर. टाइप टू एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप टू एरर क्या है जो कि हमने कल के ही सेशन में देखा था, वेदर इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड इट शुड बी रिजेक्टेड, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड शुड बी एक्सेप्टेड, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड, एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड शुड बी एक्सेप्टेड. सो अगर नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स है एंड फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो देन दिस इज योर टाइप टू एरर इन हाइपोथेसिस एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड इट शुड बी रिजेक्टेड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द टाइप टू एरर. एन इन्वेस्टिगेटर यूज्ड टी टेस्ट टू कंपेयर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वर्बल एप्टीट्यूड. He repeated his experiment 20 times and obtained significant difference 19 times. On the basis of this, he decided to reject the null hypothesis. What is the probability of committing type 1 error? So now, ye question easy hai वैसे. Just need to understand concepts over here. Okay, so ye sab hum log abhi dekhte hai. So yahan pe investigator ne t-test ka istemal kiya hai do groups ko compare karne ke liye. So usne दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्बल एप्टीट्यूड एंड
इसके लिए उसने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया। जैसे कि हमने देखा कि टी टेस्ट ये क्या है, ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो बेसिकली मेजर करता है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप। जैसे कि एम वन इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एम टू इज़ द मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। सो दिस इज क्लियर। नाउ टी टेस्ट में अगर इन दोनों के डिफरेंसेस आपको सिग्निफिकेंट मिलते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। एंड अगर आपको ये वैल्यूज सिग्निफिकेंट नहीं मिलते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप रिसर्च या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। ओके, सो लेट मी वंस अगेन टेल यू। सो अगर इन दोनों के बीच की वैल्यूज आपको सिग्निफिकेंट मिलती है, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। सो अगर आपको सिग्निफिकेंट नहीं मिलती है, देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो। ओके, सो इन दिस सिचुएशन उसने टी टेस्ट तो की है एंड उसने 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 20 टाइम्स। ओके, एंड उसने 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उसमें उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले हैं। सो फॉर 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डन, उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं। सो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं यानी कि उसका मतलब ये है कि उसने 19 टाइम्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, यानी कि 20 टाइम्स में से 19 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं एंड दैट्स वाई उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ा। बट ओनली वन टाइम ओवर हियर कि उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं एंड दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो यहाँ पे अब उन्होंने आपको पूछा है कि टाइप वन एरर होने के चांसेस क्या है। सो गिवन तो हमने देखा, सो नाउ लेट अस सी द फॉर्म्यूला। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, सो नाउ टाइप वन एरर का मतलब होता है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो दिस इज नथिंग बट द टाइप वन एरर। बट इन दिस सिचुएशन नल हाइपोथेसिस गलत है एंड दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट। ओके, बट ओनली एक ही टाइम ऐसा है जिसमें आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा इस चीज के लिए, ओके, वो होगा वन। बिकॉज इसी केस में ये हो सकता है कि आप टाइप वन एरर को कमिट कर सकते हो। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड वन अपॉन 20, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये होंगे 20 बिकॉज टोटल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 20। सो 1/20 इज इक्वल टू 0.05। सो 0.01 है यहाँ पे, 0.02 है, 0.05 है, 0.1 है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज 0.05। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, यूजिंग इक्विवेलेंट सैम्पल्स अ रिसर्चर ऑब्टेंड अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 ट्रायल्स। ही और शी डिसाइडेड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिसिस द अल्फा लेवल वुड बी। सो अगेन आपको उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बट पूछने का तरीका डिफरेंट है। सो यहाँ पे रिसर्चर ने इक्विवेलेंट सैंपल्स यूज किए हैं, इक्विवेलेंट सैंपल्स यानी कि इक्वल सैंपल्स। ओके, एंड उसमें उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं, 95 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं आउट ऑफ 100 ट्रायल्स। मतलब उसके जो टोटल ट्रायल्स थे वो थे 100, राइट? एंड उसने दैट्स व्हाई डिसाइड किया कि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है बिकॉज उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यूज का मतलब होता है कि दैट्स व्हाई वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा। बट टोटल ट्रायल्स है 100। ओके, एंड यहाँ पे उसने पूछा है कि अल्फा लेवल क्या होगा। अल्फा लेवल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर।
ओके, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसमें आपको यही पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, सिमिलरली वही क्वेश्चन है एंड वही फॉर्मूला आप यूज करोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो यहाँ पे टाइप वन एरर आने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 100 - 95 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 100. सो 5/100. सो योर करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन वुड बी 3, विच इज 0.05. सो दिस पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सो इसका मतलब होता है कि 0.05. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. सो व्हाई हमने यहाँ पे 100 - 95 किया, बिकॉज जो बचे हुए 5 टाइम्स थे उसमें रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ा, बिकॉज उसमें उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं मिले, ओके. एंड दैट्स व्हाई वो उसमें टाइप वन एरर कमिट करेगा, ओके. दिस इज द यू नो फेवरेबल आउटकम फॉर हिम फॉर डूइंग द टाइप वन एरर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी ओवर हियर 0.05. एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 100 - 95 किया. An investigator commits type 1 error in testing hypothesis when he or she, okay, so investigator type 1 error kab karega? So when accepts null hypothesis when it is false, rejects null hypothesis when it is true, accepts null hypothesis when it is true, rejects null hypothesis when it is false. So jab bhi null hypothesis sahi hota hai and jab bhi aap उसको रिजेक्ट करते हो, देन इन दैट सिचुएशन टाइप वन एरर आती है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. नेक्स्ट, अ रिसर्चर यूज्ड टी टेस्ट टू कंपेयर टू मीन्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड फाउंड दैट द टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल. दिस मीन्स दैट, सो अगेन आपको उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. सो यहाँ पे अगेन रिसर्चर ने टी टेस्ट किया है ताकि वो टू मीन्स को कंपेयर कर सके, बट बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट सैंपल्स. इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब होता है कि अगर दो ग्रुप्स है देन ये दोनों भी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, एंड दैट्स वाई उनके अंदर जितने भी सारे सैंपल्स है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है. ये बेसिकली दोनों भी अनरिलेटेड है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एंड टी वैल्यू उसको मिली सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चांसेस आर 5 out of 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स. चांसेस आर 95 out of 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स. इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 100 times इट वुड गिव द ऑब्टेंड रिजल्ट्स ओनली 5 times. If the experiment is repeated 5 times, it would give the same result every time. So students, significant का मतलब होता है कि दोनों ही groups के बीच में difference है. And 0.05 level का मतलब होता है कि at the 0.05 value, okay, उस researcher को significant value मिली. यानी कि at the 0.05 value, उसको पता चला कि इन दोनों ही groups के बीच में difference है. ओके, सो स्टूडेंट्स, कभी भी आप अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पी वैल्यू. ओके, एंड पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी. सो ये एक प्रोबेबिलिटी है दैट ऑब्जर्व डिफरेंस कुड हैव ऑकर्ड जस्ट बाय रैंडम चांस व्हेन इट इज अज्यूम दैट नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट. सो पी वैल्यू ये एक प्रोबेबिलिटी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉट? कि इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जर्व डिफरेंस होते हैं दोनों ही ग्रुप्स के मीन्स के बीच में वो बेसिकली रैंडम चांसेस की वजह से है. एंड इसमें यही अज्यूम किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस ये सही है. सो दिस इज नथिंग बट द पी वैल्यू. ओके, एंड सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है, मतलब जो 0.05 वैल्यू का जो ये लेवल है, ओके, फॉर द गिवन हाइपोथेसिस टेस्ट इज द वैल्यू फॉर विच पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इज कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. यानी कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है एट द 0.05 लेवल, सो बेसिकली ये वैल्यू इधर पी वैल्यू से कम है या फिर उससे इक्वल है.
तभी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंटली मतलब है वहाँ पे, मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे पी वैल्यू आपको 0.05 मिलती है, देन इसका मतलब ये है कि दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो इफ दिस टी वैल्यू, यानी कि ये 0.05 वैल्यू है, अगर ये सिग्निफिकेंट होती है एट 0.1, देन चांसेस आर दैट 1 out of 100 दैट डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। मतलब अगर देखो यहाँ पे 0.05 लेवल पर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली है, सो अगर 0.05 की जगह पे अगर आपको 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, देन इसका मतलब ये होता है कि देर आर चांसेस दैट 1 out of 100 दैट डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। सो इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 0.05 है, देन इसका मतलब है कि 5 out of 100 चांसेस आर देयर दैट डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1। सो सैम्पलिंग एरर्स का मतलब होता है कि जो एरर्स आते हैं एंड जिसकी वजह ये है कि सैम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैम्पल की साइज या फिर कौन से सैम्पलिंग मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सो उनकी वजह से जो एरर्स आती है उसे बेसिकली सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है एंड विच इज़ एट द 0.05 लेवल, देन इसका मतलब है कि वाकई में उसमें डिफरेंस है, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है। एंड दैट्स वाई सैम्पलिंग एरर्स की वजह से ये वैल्यूज आने की चांसेस बहुत कम है। आपको 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल मिला है, उसकी वजह यही है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में वाकई में डिफरेंस है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ 5 out of 100 ही चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1। Which of the following is an example of type 2 error? Now, इनमें से कौन सा type 2 error का example है? Failing to reject the null hypothesis when it is false, rejecting the null hypothesis when it is true, rejecting the alternative hypothesis when it is false, failing to reject the alternative hypothesis when it is true. So, type 2 error आती है जब null hypothesis ये false होता है, but still अगर आप उसको accept करते हो, that's why your correct answer should be over here 1. Failing to reject का मतलब होता है कि accepting, right? So you are accepting the null hypothesis when it is false. Okay, so this is nothing but your correct answer. For the study of any population, sampling is conducted because it is dash. ओके, सो अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, देन उसके लिए आप सैम्पलिंग को कंडक्ट करते हो। बिकॉज मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है, वेदर इट इज़ एक्सपेंसिव, वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट, और वेदर इट इज़ टाइम एफिशिएंट, और वेदर इट इज़ बायस्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टेक्निक एक्सपेंसिव है, देन व्हाई एनी रिसर्चर वुड यूज़ इट, मतलब कोई भी रिसर्चर उसको क्यों इस्तेमाल करेगा, राइट? दैट्स ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर कोई भी टेक्निक डिफिकल्ट है, देन ऑब्वियसली कोई भी रिसर्चर उसको नहीं करेगा। सो रिसर्चर विल फॉलो ओनली द ईजी टेक्निक, राइट? सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर कोई भी रिसर्च बायस्ड है, कोई भी यू नो टेक्निक रिसर्च में बायस्ड है, देन ऑब्वियसली रिसर्चर उसको नहीं करेगा, बिकॉज रिसर्च मेथडोलॉजी में एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो फंक्शन प्ले करता है। दैट्स वाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी टाइम एफिशियंट, बिकॉज सैम्पलिंग ये टेक्निक बहुत ही टाइम एफिशियंट है। बिकॉज अगर किसी भी टारगेट पॉपुलेशन को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, देन टारगेट पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, एंड दैट्स वाई उसको स्टडी करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई सैम्पल्स को टारगेट पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं जो कि पूरे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो, एंड उनको सिलेक्ट करने से आप उनको स्टडी करते हो, एंड उसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बहुत बचता है, एज वेल आपका टाइम भी बहुत बचता है। That's why sampling is conducted because it is time efficient. What is a sample called if it represents one or few characteristics of the population more than the others?
सो इनमें से कौन सा सैंपल ऐसा है और इनमें से किस सैंपल को हम लोग क्या बुलाते हैं जब वो एक से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है. सो वेदर इट इज़ गुड सैंपल, वेदर इट इज़ बैड सैंपल, वेदर इट इज़ बायस्ड सैंपल और वेदर इट इज़ इनफेक्टिव सैंपल, अगर कोई भी सैंपल एक से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है देन उसे बायस्ड सैंपल कहा जाता है. बिकॉज एक ही एक ही टारगेट पॉपुलेशन का एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होता है. मतलब अगर आपने किसी भी एक ही टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट किया है एंड देन उस सैंपल में वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो टारगेट पॉपुलेशन में है. एंड दैट्स अगर वो सैंपल एक से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है देन इसका मतलब ये है कि रिसर्चर ने जानबूझ के उसी सैंपल को सिलेक्ट किया है जिसके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के बाहर के जो भी जितने भी सारे कम्युनिटीज़ है उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज द बायस्ड सैंपल. एंड बायस्ड सैंपल का मतलब होता है कि जिस सैंपल को आप जानबूझ के सिलेक्ट करते हो. ओके, मतलब आपने बायस्ड तरीके से उनको सिलेक्ट किया है, मतलब फेयरली नहीं किया है. ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 3. What are the various classifications of sampling? Now, sampling technique के various classifications कौन से है? Whether it is random and purposive, then stratified and cluster, probability and non-probability, then multi-stage and sequential. So, students, sampling के दो ही classifications होते हैं, जिसमें से पहला है probability sampling and दूसरा है non-probability sampling. And that's why your correct answer should be 3. बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सैम्पल्स रैंडमली चूज करते हो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सैम्पल्स जानबूझ के सिलेक्ट करते हो बिकॉज उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको चाहिए. दैट्स वाई यहाँ पे नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है. ओके, एंड यहाँ पे जितने भी सारे बाकी के ऑप्शन है जैसे कि रैंडम, पर्पजिव, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज एंड सिक्वेंशियल, सो ये सारे बेसिकली प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है. मतलब इनमें से कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है एंड कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है. सो इनमें से कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है सैम्पलिंग का. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई सैम्पलिंग में दो ही क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. व्हाई आर सैम्पलिंग ट्रायड्स इंपॉर्टेंट इन सैम्पलिंग? नाउ सैम्पलिंग टेक्निक में सैम्पलिंग ट्रायड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ट्रायड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो सैम्पलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि सैम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है सैम्पलिंग में? सो दे हेल्प अस इन डिसाइडिंग द सैम्पल साइज, या फिर दे हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूजलेस यूनिट्स एंड यूजफुल यूनिट्स, या फिर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, या फिर दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर इन द इंक्लूजन ऑफ अ यूनिट इन द सैम्पल. सो स्टूडेंट्स, हम लोग सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप उनको एज अ सैम्पल ओके करके उनको सिलेक्ट करते हो फॉर योर स्टडी. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई सैम्पलिंग ट्रायड्स ये हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, ताकि आप उनको एज अ सैम्पल करके सिलेक्ट कर सको. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश, वेयर द मेंबर्स आर आइडेंटिकल टू वन अनादर. सो किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स अगर एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है देन उस पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स, वेदर इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन और होमोजीनियस पॉपुलेशन और फाइनाइट यूनिवर्स. सो स्टूडेंट्स, किसी भी पॉपुलेशन में अगर उसके मेंबर्स एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आइडेंटिकल है देन उस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन कहा जाता है. जैसे कि हमने देखा है स्कूल्स में होमोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन. सो होमोजीनियस सोल्यूशन ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिलते हैं,
ओके, वैसे ही होमोजिनस पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ शेयर करते हैं, मतलब उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई उसे होमोजिनस पॉपुलेशन कहा जाता है। एंड जो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होता है उसमें मेंबर्स एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं होते, सो बेसिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिसिमिलर होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज होमोजिनस पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल इन रिसर्च। ना यहाँ पे आपको ए से ई तक काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं सैम्पल के। ओके, सो इनमें से हमें गुड सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट इज रेडिली एक्सेसिबल, मतलब आप रेडिली उसको एक्सेस कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर का जो पर्सनल कंसिडरेशन है सो अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट करते हो। देन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन अप्रोक्सीमेटिंग द पैरामीटर्स, मतलब जो पैरामीटर्स आपने डिसाइड किए हैं, जिन पैरामीटर्स की वजह से आप सैंपल को चूज कर रहे हो, सो उन पैरामीटर्स को डिसाइड करने की जो प्रिसीजन होती है एंड जो एक्यूरेसी होती है वो। देन फ्रीडम फ्रॉम बायस, सो स्टूडेंट्स जो गुड सैंपल होता है उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो पॉपुलेशन में है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है। देन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन अप्रोक्सीमेटिंग द पैरामीटर्स, ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज हम लोग सैंपल को चूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। एंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स को असाइन करने के लिए हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, पैरामीटर्स यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़। सो उन वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को असाइन करने की जो तरीका होता है उसमें काफ़ी सारी प्रिसीजन होनी चाहिए एंड एज वेल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड सैम्पल, एंड एज वेल इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, मतलब उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर। ओके, बिकॉज ये एथिकल है एंड इट इज मैंडेटरी, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज बी डी एंड ई ओनली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल इन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग, नाउ इनमें से कौन सा सैम्पलिंग के लिए सही ऑप्शन है और सही स्टेटमेंट है। सैम्पल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पलिंग सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी, सैम्पलिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, देन ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है सैम्पलिंग के बारे में, बिकॉज सैम्पल तो पॉपुलेशन का पार्ट है ही, बिकॉज आप पॉपुलेशन में से ही सैम्पल को सिलेक्ट करते हो। एज वेल सैम्पलिंग हमारा टाइम मनी एंड एनर्जी सेव करता है, दिस इज करेक्ट। एज वेल सैम्पलिंग हमें हेल्प करता है ताकि हम सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट कर सके। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि एरर जो सैम्पलिंग और टेक्निक की वजह से आती है, या फिर गलत सैम्पल साइज को चूज करने की वजह से, या फिर गलत सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करने की वजह से आती है, एंड दैट्स व्हाई सैम्पलिंग एरर अगर आपको एस्टिमेट करना है देन उसका एक ही तरीका है कि आप सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। सैम्पलिंग केसेस मीन्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग केसेस, सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम्स, देन आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सूटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स सैम्पलिंग केसेस का मतलब होता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट्स को एज अ सैम्पल करके सिलेक्ट कर रहे हो इन योर स्टडी। सो आई मीन टू से कि जैसे कि आप लोगों को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, सो दैट ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स हो, या फिर न्यूज़पेपर्स हो, या फिर हाउसेस हो, या फिर सिटीज़ हो, या फिर जियोग्राफिकल एरियाज हो, एनीथिंग। सो इट इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग केसेस, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। ओके, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, सैम्पलिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, सैम्पलिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, सो ऑल ऑफ दीज आर द सैम्पलिंग केसेस। एंड सैम्पलिंग फ्रेम्स का मतलब होता है कि सैम्पलिंग फ्रेम्स ये एक ग्रुप होता है जिसमें जितने भी सारे सैम्पल्स आपने सिलेक्ट किए हैं, सो वो सारे सैम्पल्स आप
अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सैम्पलिंग फ्रेम एंड वी आर गोइंग टू सी दिस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो डोंट वरी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4. द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड. नाउ जितने भी यूनिट्स है, ओके, जो स्टडी के लिए रिलेवेंट है, जो स्टडी में हम लोग यूज करने वाले हैं और जो स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स इज कॉल्ड व्हाट. सो वेदर इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स और यूनिट और सैम्पल या फिर फ्रेम. सो उसे पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कहा जाता है बिकॉज जितने भी सारे यूनिट्स होते हैं विच आर रिलेवेंट टू द स्टडी, ओके, एंड उनको अगर आप इकट्ठा करोगे देन ऑब्वियसली इट विल मेक अ पॉपुलेशन बिकॉज पॉपुलेशन में से ही आप यूनिट्स को बनाते हो. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. सो डोंट वरी. सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स. ओके, जहाँ से आप यूनिट्स को सिलेक्ट करते हो. सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड इज डिवाइडेड इन टू यूनिट्स आर नोन एज. सो जिस पॉपुलेशन में से आपको सैम्पल्स को चूज करना है, सो उस पॉपुलेशन को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. सो उस यूनिट्स को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम या फिर सैम्पलिंग एरर या फिर सैम्पलिंग गैप या फिर सैम्पलिंग यूनिट्स. सो स्टूडेंट्स, ऐसे यूनिट्स को सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाता है, जो कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि जिस पॉपुलेशन के बारे में आपको स्टडी करना है देन उस पॉपुलेशन को अगर आप डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हो देन उसे सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाता है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड उन्हीं यूनिट्स को अगर आप एग्रीगेट करोगे देन ऑब्वियसली इट विल मेक द पॉपुलेशन अगेन. ओके, एंड वॉट इज सैम्पलिंग फ्रेम? सो सैम्पलिंग फ्रेम में जितने भी सारे सैम्पल्स होते हैं वो सैम्पल्स आपने स्टडी के लिए यूज किए हैं या फिर आप स्टडी के लिए यूज करने वाले हो. ओके, सो सैम्पलिंग फ्रेम में वो सारे सैम्पल्स होते हैं. एंड सैम्पलिंग एरर इज द एरर विच इज ऑकर्ड ड्यू टू द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक एंड एज वेल रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज. सैम्पलिंग गैप यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर रहे हो इन योर रिसर्च प्रोसेस देन उस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करने के लिए जितने भी सारे प्रोसीजर्स की आपको जरूरत पड़ती है सो उसमें किसी भी तरीके से गैप अगर आ गई है देन दैट गैप. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैम्पलिंग फ्रेम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिकॉज सैम्पलिंग यूनिट्स में ऐसे भी सैम्पल्स होते हैं कि जो आप स्टडी में यूज नहीं करने वाले हो बट सैम्पलिंग फ्रेम में वही सैम्पल्स होते हैं जिनको आप स्टडी में यूज करने वाले हो. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. क्वेश्चन 1 इज 35 सोफोमोर्स, 30 जूनियर्स एंड 33 सीनियर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 281 सोफोमोर्स, 242 जूनियर्स एंड 529 सीनियर्स एट अ सर्टन हाई स्कूल. द सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड हियर इज. ओके, सो इस प्रकार के यू नो स्टडी में बेसिकली क्या हुआ है, एक हाई स्कूल है एंड उसमें 3 सब ग्रुप्स बनाए गए हैं जैसे कि सोफोमोर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स. एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एजुकेशन के मुताबिक सिलेक्ट किया गया है एंड अकॉर्डिंगली यू नो सब ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जैसे कि सोफोमोर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स. सो यहाँ पे टोटल 281 सोफोमोर्स है बट उनमें से रैंडमली सिर्फ 35 सोफोमोर्स को सिलेक्ट किया गया है बट रैंडमली. ओके, देन यहाँ पे 242 जूनियर्स है एंड उनमें से सिर्फ 30 सीनियर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है एंड आफ्टर दैट 529 सीनियर्स में से 33 सीनियर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है. सो ये जो सिलेक्शन टेक्निक है इसे बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है बट इस सैम्पलिंग टेक्निक का एक नाम है. सो व्हाट इज दैट? सो वेदर इट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, क्लस्टर या फिर स्ट्रैटिफाइड. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज सैम्पलिंग टेक्निक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सभी बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जिसका मतलब होता है कि आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन. रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि सभी
पार्टिसिपेंट्स को और सभी एलिमेंट्स को पॉपुलेशन के इक्वल चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करें. ओके, सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें पूरे टारगेट पॉपुलेशन को आप इधर असेंडिंग ओके या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाते हो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल. सो इन सारे पॉपुलेशन को आप एक सीरीज में लगाते हो एंड आप क्या करते हो, रैंडमली किसी भी पार्टिसिपेंट को पहले सिलेक्ट करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रैंडमली 10th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया फ्रॉम द सीरीज, देन आफ्टर दैट आप हमेशा उसी नंबर के पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 10th रैंडमली पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर दैट आप 28th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करोगे, देन 30th को करोगे, देन 48th को करोगे. सो ये जो 10th, 28th, 38th, 48th ऐसे अगर आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, देन ऑब्वियसली एक इंटरवल बनता है, जैसे कि 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40. एंड इन सभी पार्टिसिपेंट्स को जिनको आपने सिलेक्ट किया है, सो इनमें सभी से आप एक पर्टिकुलर सैंपल बनाते हो इनको इकट्ठा करके. ओके, एंड दिस सैंपल इज यूज्ड बाय यू इन योर स्टडी. ओके, सो दिस इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, नाउ विद इन द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे सिर्फ आप पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से यू नो रैंडमली किसी भी सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि यहाँ पे अगर 1000 पॉपुलेशन है, देन इनमें से किसी भी सैंपल को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो. ओके, विद इन द क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द 1000 पॉपुलेशन. ओके, नंबर ऑफ 1000 पार्टिसिपेंट्स इन द पॉपुलेशन, एंड आप क्या करते हो, 1000 पॉपुलेशन के एक सब ग्रुप्स बनाते हो. जैसे कि पहला सब ग्रुप S1 है, दूसरा S2, S3, S4, S5, एंड इनमें से सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली किसी भी सब ग्रुप को चूज करते हो. जैसे कि अगर आपने S1 रैंडमली सब ग्रुप को चूज किया, S4 रैंडमली सब ग्रुप को चूज किया, सो S1 प्लस S4 करके आप एक सैंपल बनाते हो. सो दिस इज द सैंपल जिसको आप स्टडी में यूज करते हो. सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. एंड इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप क्या करते हो, सब ग्रुप्स इसमें बनाते हो, बट फ्रॉम दैट सब ग्रुप आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि इस क्वेश्चन में यही हुआ है, जैसे कि 281 सोफोमोर्स ये एक सब ग्रुप है, लेट अस सी इट इज S1, देन 242 जूनियर्स ये एक सेकेंड सब ग्रुप है, एंड 529 सीनियर्स ये एक थर्ड सब ग्रुप है. ओके, सो इनमें से रैंडमली आपने 35 सोफोमोर्स को सिलेक्ट किया, देन इनमें से आपने रैंडमली 30 जूनियर्स को सिलेक्ट किया, एंड इनमें से आपने रैंडमली 33 सीनियर्स को सिलेक्ट किया. सो दिस इज द सैम्पलिंग टेक्निक विच इज एक्चुअली द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी स्ट्रैटिफाइड. एंड इसे प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी मदद से आप सारे सब ग्रुप्स को प्रोपोर्शनली डिजाइन करते हो, एंड एज वेल सारे सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली सैंपल्स को भी प्रोपोर्शनली सिलेक्ट करते हो. जैसे कि देखो 35, 30 एंड 33, इनके बीच में इतना डिफरेंस है नहीं, सो दीज आर प्रोपोर्शनेट. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज डैश विद इन डैश बिटवीन द स्ट्रैटा. सो वेदर होमोजिनस देन हेट्रोजिनस, देन होमोजिनस इंडिपेंडेंट, हेट्रोजिनस होमोजिनस, हेट्रोजिनस इंडिपेंडेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक, एंड उस टेक्निक से जब भी आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो उसे स्ट्रैटिफाइड सैंपल कहा जाता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब टारगेट पॉपुलेशन ये एक हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होता है. हेट्रोजिनस का मतलब है कि पॉपुलेशन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते. ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज यूनिक. ओके, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई अगर आपको टारगेट पॉपुलेशन का एक पूरा सैंपल चाहिए जो कि टारगेट पॉपुलेशन का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो, देन इन दिस सिचुएशन आप स्ट्रैटिफाइड
सैम्पलिंग टेक्निक को चूज करते हो, बिकॉज आप इसमें हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को यू नो सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो. आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो बिकॉज ईच एंड एवरी सब ग्रुप हैज द पार्टिसिपेंट्स जिनके यू नो पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो यहाँ पे अगर आपने एस वन सब ग्रुप बनाया है देन इसमें जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स है उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड उनकी वजह से बेसिकली आपने उनको एक ही ग्रुप में असाइन किया है. ओके एंड दैट्स व्हाई हेट्रोजीनियस टारगेट पॉपुलेशन से आप होमोजीनियस सब ग्रुप्स बनाते हो. ओके एंड ऐसे सब ग्रुप्स को बेसिकली स्ट्रैटा कहा जाता है. ओके सो जैसे कि S1 इज कॉल्ड एज स्ट्रैटा, S2 कॉल्ड एज स्ट्रैटा, S3 कॉल्ड एज स्ट्रैटा. ओके एंड दैट्स व्हाई इसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई देखो स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन द स्ट्रैटा. ओके दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, बिकॉज ये एक ही सब ग्रुप में ये होमोजीनियस है, मतलब एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है. बट अगर आप दो सब ग्रुप्स को यू नो कंपेयर करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर हेट्रोजीनियस विद ईच अदर, मतलब उनके बीच में कोई भी आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं. ओके Now next question is which of the following sampling methods are probability based. So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे sampling methods के नाम दिए गए हैं and इनमें से आपको probability based sampling methods को choose करना है. So whether it is cluster sampling, whether it is quota sampling, whether it is systematic sampling or whether it is dimensional sampling or whether it is stratified sampling. सो स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को बताया है इसी वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक में एवरी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस होता है कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करे एंड दैट्स अ रिसर्चर रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है फॉर द स्टडी. ओके सो इनमें से क्लस्टर सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि हमने देखा सिस्टमैटिक भी है एंड स्ट्रैटिफाइड भी है. ओके एंड इनके जो डेफिनेशन है वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू, बिकॉज ए सी एंड ई ओनली आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. नाउ बचे हुए ऑप्शन है कोटा एंड स्ट्रैटी कोटा एंड डायमेंशनल. सो ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में जो यू नो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है सो वो बेसिकली सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि उनका सेक्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, व्हाट इज देयर नेम, देन यू नो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि हाइट, वेट. सो इनके मुताबिक सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एंड बेसिकली इनके ऐसे यू नो सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड फ्रॉम दैट सब ग्रुप्स रिसर्चर यू नो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसर्चर स्टडी में चाहता है एंड उन्हीं सैंपल्स को लेकर वो स्टडी करता है. एंड दैट्स यहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं है जब भी वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है. इफ़ यू कंपेयर कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देन दोनों भी आपको अगर देखेंगे सो ये दोनों भी एक्चुअली इक्वल है, बट यही डिफरेंस है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रैटा. ओके बट कोटा सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं फ्रॉम द सब ग्रुप्स, बेसिकली वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जानबूझ के जो उसके स्टडी में उसे चाहिए. ओके एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग ये भी एक कोटा सैम्पलिंग का ही टाइप है, बट जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यू नो सेक्स के मुताबिक जेंडर के मुताबिक सैम्पल्स को चूज किया जाता है. सो डायमेंशनल सैम्पलिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यूनिक होते हैं. सो जैसे कि यहाँ पे सेक्स जेंडर कोई भी चलेगा बट यहाँ पे उन्हीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि सिर्फ सेक्स के मुताबिक ही आप सिलेक्ट करोगे, सिर्फ जेंडर के मुताबिक ही करोगे और सिर्फ हाइट के मुताबिक करोगे. दैट्स दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक and that's why your correct answer should be 2. In the process of drawing a random sampling, which of the following process is in order of sequence?
ओके, जब भी आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड से अगर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, देन उसका प्रोसेस क्या है इन द यू नो परफेक्ट सीक्वेंस. सो डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, देन डिसाइड सैम्पल साइज, देन लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग द सैम्पल बाय रैंडमाइजेशन. Then decide sample size, then define the target population, then list the units of target population and select the sample by randomization, then list all the units of target population, then decide sample size, then define the population and apply randomization. Drawing sample by randomization, then decide sample size, then define target population and list all units of target population. Okay? सो स्टूडेंट्स, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, राइट. बट उसमें भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज योर टारगेट पॉपुलेशन. ओके, देन योर सेकेंड स्टेप इज कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सैम्पल साइज चाहिए, मतलब आपको सैम्पल में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, मतलब जैसे कि 50, 100 या फिर मोर देन दैट, वो डिसाइड करो. देन आफ्टर दैट लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, मतलब टारगेट पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को एक लिस्ट आउट कर दो. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन एंड देन आफ्टर दैट ड्रॉ द सैम्पल बाय द रैंडमाइजेशन, देन रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करो. सो अगर आपको रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करना है, देन आप वो खुद मैन्युअली भी कर सकते हो, इधर आप लॉटरी मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो बेसिकली लॉटरी मेथड भी एक रैंडमली यू नो असाइंड सैम्पलिंग टेक्निक ही है, बट इसमें यू नो ऐसे नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड पार्टिसिपेंट्स को ऐसे नंबर्स असाइन किए जाते हैं एंड आप नंबर्स के मुताबिक रैंडमली सैम्पल्स को चूज करते हो, मतलब आप रैंडमली किसी भी नंबर को चूज करते हो, और या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी रैंडमली सैम्पल्स को चूज कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, बिकॉज पहले ही ऑप्शन में ये प्रॉपर सिक्वेंस दिया गया है. ओके, अ रिसर्चर यूजेस systematic random sampling from a company directory that has 600 employees listed in alphabetical order. Okay, if the desired sample size is 30 and the first name to be selected is number 8, which of the following will not be selected? Okay, so yahan pe researcher ne systematic random sampling ka istemal kiya hai. Okay, taki wo from a company directory se 600 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर सके. सो उसने 600 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया एंड उसकी जो सैंपल साइज है वो है 30. सो 600 एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि योर कैपिटल एन इज 600, यानी कि योर टारगेट पॉपुलेशन इज 600. ओके, एंड योर सैंपल साइज यानी कि स्मॉल एन इज 30. सैंपल साइज मीन्स द साइज दैट यू वॉन्ट, ओके, इन योर स्टडी. ओके, उसे सैंपल साइज कहा जाता है. एंड द फर्स्ट नेम टू बी सिलेक्टेड इज नंबर 8. सो उसने जो फर्स्ट नेम का एम्प्लॉय सिलेक्ट किया उसका नंबर था 8. ओके, मतलब 600 पॉपुलेशन है. सो उसने 1 to 600 ऐसे करके एम्प्लॉयज को सिक्वेंसली लगाया है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड उसने असाइन किया कि मुझे 30 सैम्पल साइज चाहिए. ओके, देन आफ्टर दैट उसने जो पहला कैंडिडेट चूज किया वो था 8 नंबर का कैंडिडेट, 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरवल. ओके, व्हाट इज द इंटरवल और द सैम्पल इंटरवल क्या है. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 600 अपॉन 30 करना पड़ेगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन. सो इट्स वैल्यू विल बी 20. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरवल बनेगा अमंग द 600 एम्प्लॉयज वो रहेगा 20. मतलब आपका जो पहला इंटरवल रहेगा वो रहेगा 1 to 20, नेक्स्ट इंटरवल रहेगा 21 to 40, 41 to 60, लाइक दैट. ओके, अप टू द 600. एंड यहाँ पे 20 इंटरवल्स है. सबसे पहला कैंडिडेट था 8. ओके, देन आपका नेक्स्ट कैंडिडेट क्या होगा, 20 plus 8, बिकॉज 20 इंटरवल्स है एंड 8 कैंडिडेट है, राइट. यानी कि 1 to 20 इंटरवल से अगर आपने 8th एम्प्लॉय को यू नो चूज किया है, देन इन 21 to 40
इंटरवल एज वेल आप 8th नंबर के ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे. सो इसमें से जो 8th नंबर का कैंडिडेट आएगा वो क्या आएगा, 28, राइट. फ्रॉम 41 टू 60 अगेन इट विल बिकम 48, सो लाइक दैट. सो ये आपकी सीरीज रहेगी, 8, देन 28, 48, देन इफ यू गो वेरी लॉन्गर देन 348, देन 368, देन 408, लाइक दैट 428, देन 528, देन 548, देन 568, ओके, लाइक दिस. एंड दैट्स व्हाई इनमें से जो नंबर नहीं आएगा वो है 558. अगर आप देखोगे, अगर आप 48 प्लस 20 करोगे देन आपको 68 मिलेगा, 68 प्लस 20 करोगे देन यू विल गेट 88. सो 88 इसमें आएगा, 368 तो आ गया है, आई हैव मेंशनड हियर, देन 428 भी आया है. सो बचा हुआ ऑप्शन है 558 जो नहीं आएगा इस लिस्ट में. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. सो स्टूडेंट्स याद रखो कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं विच आर रियली वेरी ट्रिकी, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये सैम्पलिंग टेक्निक कैसी है वो कैसी है देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन इज टेक्निकली कॉल्ड. सो इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जो इंश्योर करता है कि यू नो टारगेट पॉपुलेशन के सारे सेक्शंस को हमने एक ही सैम्पल में प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया है. सो वेदर इट इज कोटा सैम्पलिंग, वेदर इट इज सिस्टमैटिक, वेदर इट इज स्नोबॉल, देन स्ट्रेटिफाइड. सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इनमें से जो दो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड, ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. एंड जो कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. ओके, सो मैंने आप सभी को तो कोटा, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक बता चुकी हूँ. सो द रिमेनिंग इज स्नोबॉल. सो स्नोबॉल ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड इसमें यू नो सबसे पहले जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसकी जो साइज होती है वो बहुत कम होती है, मतलब लोग असल में होते ही बहुत कम है. एंड दैट्स व्हाई इसमें रिसर्चर क्या करता है, जितने भी सारे लोग हैं पॉपुलेशन में उनको वो एनकरेज करता है ताकि वो अदर लोगों को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज चेन सैम्पलिंग टेक्निक, बिकॉज लोग दूसरे लोगों को एनकरेज करते हैं, बुलाते हैं कि आप स्टडी में पार्टिसिपेट करो. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक एंड इसे नॉन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट नहीं करते हो, जितने भी सारे लोग होते हैं पहले से ही ओके वो रैंडमली तो सिलेक्ट हुए नहीं है, रिसर्चर उनको बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करता है, बट ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिसर्चर उनको बोलता है कि आप दूसरे लोगों को भी एनकरेज करो, बुलाओ स्टडी में. एंड दैट्स व्हाई उनको भी पता है ना कि किन लोगों को बुलाना है किन को नहीं बुलाना है. सो रैंडमली कोई भी चीज़ होती नहीं है, बट द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट कि which sampling method which ensures proportional representation of all sections of the population. So ये जो sampling technique है वो है stratified sampling technique, because ये तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था इसी video में कि इसमें आप you know heterogeneous population में से homogeneous subgroups बनाते हो. सो आप homogeneous subgroups में से randomly samples को select करते हो. So इसकी मदद से आप प्रोपोर्शनली सारे यू नो पार्टिसिपेंट्स को इसमें लाते हो. आई मीन टू से कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रोपोर्शनली एक ही सैंपल में इकट्ठा करते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो कोटा सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, उनमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है उसमें इस प्रकार का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है बिकॉज इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी. एंड सिस्टमैटिक में नहीं होता है बिकॉज उसमें आप एक प्रॉपर इंटरवल्स बना के वही इंटरवल्स को चूज करते हो, राइट. बट ऐसा इसमें
यू नो होने के चांसेस बहुत कम है कि यू नो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रोपोर्शनली एक ही सैंपल में इकट्ठा करो, बिकॉज यू डोंट नो कि किस इंटरवल पे कौन सा सैंपल है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4. अ रिसर्चर इंटेंड्स टू स्टडी द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्लम ड्वेलर्स. ओके, व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर सच अ स्टडी? सो यहाँ पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि स्टूडेंट्स के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स क्या है, बट ऐसे स्टूडेंट्स जो स्लम ड्वेलर्स है, सो उसके लिए वो कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर को यूज़ करेगा. सो वेदर ही विल यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक या फिर क्लस्टर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि अगर आपको ये स्टडी करना है, देन वॉट यू विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आपके पास स्टूडेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट देखो ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली होमोजीनियस होंगे. होमोजीनियस का मतलब होता है कि उनके बीच में आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, बिकॉज दोज आर स्टूडेंट्स, बट इनमें से आपको स्लम ड्वेलर्स को ढूंढना है एंड आपको सिर्फ उनको ही स्टडी करना है. सो यहाँ पे होमोजीनियस में से आपको हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और सैंपल आउट करना है जो स्लम ड्वेलर्स है, एंड इनके प्रॉब्लम्स को आपको स्टडी करना है. व्हाट आर द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस स्लम ड्वेलर्स? सो इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, कई ऐसे होंगे कि जिनको प्रॉब्लम्स है. दैट्स व्हाई दिस इज द हेट्रोजीनियस. बट स्टूडेंट्स विल बी मोर ऑफन होमोजीनियस. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई ऐसे सिचुएशन में आप जो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करोगे, विच इज कॉल्ड एज क्लस्टर सैम्पलिंग. बिकॉज क्लस्टर सैम्पलिंग जब इस्तेमाल किया जाता है, जब टारगेट पॉपुलेशन होमोजीनियस है एंड उसमें से अगर आपको हेट्रोजीनियस क्लस्टर्स को फॉर्म करके उनको आपको स्टडी करना है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है. इसमें बेसिकली जो टारगेट पॉपुलेशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है एंड उसमें से आप होमोजीनियस सब ग्रुप्स बनाते हो. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. बट इस सिचुएशन में आप क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज करोगे, यू वॉन्ट यूज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ओके, टू एस्टिमेट द एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ MBA स्टूडेंट्स एट अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच टाइप ऑफ बैकग्राउंड, से कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड. सो अगेन वैसा ही क्वेश्चन है कि यू नो यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना है कि MBA स्टूडेंट्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस क्या है एट द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एंड उसके लिए आपने 5 स्टूडेंट्स को यू नो रैंडमली सिलेक्ट किया है फ्रॉम ईच टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जैसे कि कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे आपके पास एक पूरा MBA स्टूडेंट्स का क्या है, टारगेट पॉपुलेशन का ग्रुप है, एंड इसमें से आपने 3 सब ग्रुप्स बनाए हैं. सो इनमें से सबसे पहला है कॉमर्स, दूसरा है साइंस, तीसरा है इंजीनियरिंग, एंड इनमें से आपने रैंडमली 5 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है. मतलब जैसे कि कॉमर्स में से आपने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, साइंस में से 5 को किया एंड इंजीनियरिंग में से 5 को किया, वो भी रैंडमली, एंड इन तीनों को मिला के आपने एक सैम्पल को बनाया. सो व्हाट इज दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज कॉल्ड? सो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक है या फिर स्ट्रैटिफाइड है या फिर सिंपल रैंडम है या फिर क्लस्टर है. सो ऑब्वियसली इन दिस केस आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज करोगे, बिकॉज जो पूरा टारगेट पॉपुलेशन है वो है हेट्रोजीनियस एंड उनमें से आपने होमोजीनियस सब ग्रुप्स को बनाया है, बिकॉज कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, साइंस में सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स होंगे एंड इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग फैकल्टी के ही स्टूडेंट्स होंगे, एंड उनमें से आपने रैंडमली सैंपल्स को चूज किया है. सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. ओके, विच वन इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड है. नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड क्या है. सो वेदर इट इज क्लस्टर, वेदर इट इज स्नोबॉल, वेदर इट इज कोटा, वेदर इट इज पर्पसिव. सो स्टूडेंट्स
एज यू ऑल नो दैट क्लस्टर इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन. एंड स्नोबॉल, कोटा एंड परपजिव, ये तीनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है. एंड जो परपजिव सैम्पलिंग मेथड है, इसमें रिसर्च एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहता है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, एंड दैट्स वाई वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है, उनके जिनके पास वो यूनिक एंड स्पेसिफिक यू नो कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 10. वेरिएशन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन इज ड्यू टू. नाउ पॉपुलेशन मीन से सैम्पल मीन का वेरिएशन क्या है एंड बेसिकली वो किसकी वजह से आता है. सो वेदर इट इज कॉज ड्यू टू सैम्पलिंग एरर और रॉन्ग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और बायस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग एरर. ओके, एंड सैम्पलिंग एरर कहाँ से आती है? अगर आप रॉन्ग सैम्पल साइज को सिलेक्ट करते हो या फिर अगर आप रॉन्ग सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हो, देन उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर आती है. एंड सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसका मीन एंड जो सैम्पल पॉपुलेशन होता है उसका जो मीन है, उनके बीच में जो वेरिएशन है, सो दिस इज नथिंग बट द सैम्पलिंग एरर. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन, दैट इज सैम्पलिंग एरर. एंड अगर आप सैम्पलिंग एरर को कम करना चाहते हो, देन उसके लिए आपको इधर सैम्पल साइज को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज द सैम्पल साइज. जितना आप सैम्पल साइज बढ़ाओगे उतना सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगा. एंड दैट टू आपको करेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है, मतलब जिस जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है वहां पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करो, जिस जगह पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना है वहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करो. एंड अगर आप रॉन्ग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को यूज करोगे, देन उसकी वजह से यू नो डेटा कलेक्शन में बायस्ड आ जाता है. बायस्ड यानी कि आप जानबूझ के उसी डेटा को सिलेक्ट करते हो, सो दिस वुड बी द अनएथिकल थिंग. एंड एज वेल अगर आप बायस्ड एटीट्यूड रहेगा आपका यानी कि रिसर्चर का, देन उसकी वजह से भी बायस्ड डेटा आप सिलेक्ट करोगे. एंड ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी वन. क्वेश्चन वन इज कोटा सैम्पलिंग इज लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन दैट बोथ. सो कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये दोनों भी यू नो सिमिलर सैम्पलिंग टेक्निक्स है, या फिर उनमें से जो सिमिलर चीज़ है वो क्या है? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड कोटा सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, राइट? बट फिर भी उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, सो वॉट इज दैट? सो वेदर दे हैव लो सैम्पलिंग एरर या फिर कैन डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन अपियरिंग इन द सैम्पल, या फिर आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स, या फिर डिवाइड अ पॉपुलेशन इंटू कैटेगरीज एंड सैम्पल फ्रॉम दोज कैटेगरीज. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फोर, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड उन्हीं सब ग्रुप्स में से हम लोग रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. वैसे ही कोटा सैम्पलिंग में भी वही करते हैं, बेसिकली बेस्ड अपॉन द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्स जेंडर हम लोग पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को डिवाइड करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं यू नो बिटवीन द सब ग्रुप्स एंड हम लोग कन्वीनियंटली उन्हीं सब ग्रुप्स में से सैम्पल्स को चूज करते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के मुताबिक उन्हीं सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है. ओके, बट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सब ग्रुप एंड दैट्स वाई इनके बीच में जो कॉमन सिमिलैरिटी है वो यही है कि दे डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज एंड सैम्पल फ्रॉम दोज कैटेगरीज. वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग इज, नाउ इनमें से कौन सा स्नोबॉल सैम्पलिंग का ये एक ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज है. ओके, सो स्टूडेंट्स, स्नोबॉल सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. ओके, एंड इसमें बेसिकली बहुत कम पॉपुलेशन साइज होती है एंड बहुत रेयर कैंडिडेट्स होते हैं
और रेयर पीपल को रिसर्चर उसके स्टडी में चाहता है. ओके एंड दैट्स वाई इसमें रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, रिसर्चर जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स थे स्टडी में या फिर अभी करेंटली जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टडी में उनको इनकरेज करता है ताकि वो दूसरे लोगों को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करे. ओके एंड दैट्स वाई इसे एक चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है बिकॉज लोग यहाँ पे दूसरे लोगों को इनकरेज करते हैं ताकि पार्टिसिपेट करो या फिर कन्विंस करते हैं. सो दिस इज लाइक अ चेन. So let us see different options. It is a very expensive form of sampling. The sampling error tends to be very large. It may miss people who are isolated from social networks. It leads to bias if the elements are listed in the sampling frame in a cyclical fashion. Okay? So students, स्नोबॉल सैम्पलिंग के एग्जैक्टली क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. सो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो यही है कि इसकी वजह से सैम्पलिंग बायस क्रिएट हो जाती है एंड एज वेल मार्जिन ऑफ एरर भी क्रिएट हो जाती है. मार्जिन ऑफ एरर एंड सैम्पलिंग बायस. एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन. सो सैम्पलिंग बायस का मतलब होता है कि जैसे कि रिसर्चर यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स को कहता है या फिर करंट पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि आप दूसरे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए राजी करो, राइट. सो यहाँ पे एक बायस क्रिएट हो जाता है ना. देखो यहाँ पे कोई भी रैंडमली आप सैम्पल्स को सिलेक्ट वैसे भी नहीं कर रहे हो. एंड देखो यहाँ पे बहुत रेयर पीपल चाहिए होते हैं हमें रिसर्च में. एंड दैट्स वाई जो लार्ज टारगेट पॉपुलेशन होता है उनके रिजल्ट्स हमें इस रिसर्च में नहीं मिलते. सो बेसिकली हमें रिजल्ट्स बहुत ही कम लोगों के आउटकम से मिलते हैं या फिर कम लोगों के ओपिनियंस के आधार पर मिलते हैं. एंड दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं देन दीज रिजल्ट्स आर बेसिकली बायस्ड बिकॉज आपको बहुत कम लोगों के ओपिनियंस के ऊपर रिजल्ट मिलते हैं. एंड दैट्स वाई इन दिस स्पेसिफिक सैम्पलिंग टेक्निक आप बहुत सारे लोगों को मिस भी कर सकते हो बिकॉज बहुत कम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं. एंड दैट्स वाई इट मे मिस पीपल वो आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स एज वेल. एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करो ताकि वो हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट करें. बट कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो बेसिकली हमारे साथ कोऑपरेट करते नहीं है, वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं. ओके इन द होल रिसर्च प्रोसेस. सो दिस इज कॉल्ड एज द लैक ऑफ कोऑपरेशन. सो दीज आर द टू मेजर ड्रॉबैक्स. सो अगर आप ये दोनों ही ड्रॉबैक्स को देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि यू कैन मिस पीपल वो आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स. ओके सो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. In which of the following non-random sampling techniques does the researcher ask the research participants to identify other potential research participants? Okay, so इनमें से कौन सा non-random sampling technique ऐसा है जिसमें researcher research participants को कहता है कि वो दूसरे participants को research में invite करे? सो वेदर इट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेदर इट इज कन्वीनियंस, वेदर इट इज परपजिव या फिर कोटा. सो जैसे ही हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है बिकॉज इसमें बहुत रेयर पीपल होते हैं. ओके एंड दैट्स वाई ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि रिसर्चर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके. सो दैट्स वाई वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि आप अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करो एंड उनको इन्वाइट करो कि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट करें. कन्वीनियंस सैम्पलिंग एज द नेम सजेस्ट ये बेसिकली रिसर्चर के कन्वीनियंस के मुताबिक होता है. सो जितने भी सारे क्लोजर हैंड पिक्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिसर्चर पार्टिसिपेट कर लेता है स्टडी में. जैसे कि देखो अगर रिसर्चर को कॉलेज में जाके स्टडी करना है फॉर एग्जांपल ऑन अ ट्यूसडे देन ट्यूसडे के दिन कॉलेज में जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं वो उन्हीं को रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लेता है. ऐसा नहीं है कि वो उसको एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट ही चाहिए एंड उसके लिए वो बहुत ज़्यादा
काम करता है, हार्डवर्क करता है ताकि वो उसको पार्टिसिपेट कर ले रिसर्च में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर इटसेल्फ। नाउ पर्पजिव सैम्पलिंग, सो एज द नेम सजेस्ट पर्पजिव, सो पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक में भी बहुत रेयर कैंडिडेट्स होते हैं एंड इसमें रिसर्चर को वेरी स्पेसिफिक कैंडिडेट चाहिए होता है जिसके पास वेरी स्पेसिफिक एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वो उसी पार्टिसिपेंट को चाहता है उसके स्टडी में। जैसे कि देखो कई सिचुएशंस में बहुत ही यू नो सेंसिटिव टॉपिक्स भी होते हैं, सो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जिनके पास वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। सो दिस इज कॉल्ड एज द पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक बिकॉज उसी पर्पस के आधार पर रिसर्चर उन्हीं कैंडिडेट्स को रिसर्च में चाहता है। सो वॉट इज कोटा सैम्पलिंग, सो कोटा सैम्पलिंग इज अगेन द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक एंड इसमें बेसिकली आप जेंडर या फिर सेक्स या फिर कुछ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल के उनके मुताबिक वो टारगेट पॉपुलेशन में से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है एंड उनके एक प्रॉपर ऐसे सब ग्रुप्स बनाता है एंड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस वो सिंपली सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन हियर, दैट इज स्नोबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व द रिसर्चर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैम्पल साइजेस फॉर द ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज इम्पॉर्टेंट एंड देन टेकिंग कन्वीनियंट सैम्पल्स फ्रॉम दोज ग्रुप्स। सो इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जिसमें रिसर्चर अप्रोप्रिएट सैम्पल साइजेस बनाता है और अप्रोप्रिएट ग्रुप्स बनाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल एंड आफ्टर दैट वो कन्वीनियंटली सैम्पल्स को ग्रुप्स में से सिलेक्ट करता है। सो इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है या फिर कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है या फिर वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि इसे कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में आप पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बनाते हो लोगों के बेस्ड अपॉन द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट आप कन्वीनियंटली पीपल को फ्रॉम दोज सब ग्रुप्स सिलेक्ट करते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग। वॉट इज प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सो प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड इसमें भी आप टारगेट पॉपुलेशन में से सब ग्रुप्स बनाते हो एंड आफ्टर दैट उन सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो। बट जब आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो देन जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द पॉपुलेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है एंड वन स्टेज एंड टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों भी क्लस्टर सैम्पलिंग के ही टाइप्स है। जैसे कि नाम है वन स्टेज, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेज में आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो बट टू स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक में यहाँ पे आप दो स्टेजेस में सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो। ओके, इफ जियो इन्वाइट्स ओपिनियन ऑन इट्स न्यू सर्विस थ्रू क्वेश्चंस ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर एंड पीपल वो रिस्पॉन्ड बिकम अ पार्ट ऑफ सैम्पल सच सैम्पलिंग टेक्निक इज नोन एज। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर जियो ने इन्वाइट किया है ओपिनियंस को ऑन इट्स न्यू सर्विस थ्रू क्वेश्चंस ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर, सो जियो चाहता है लोगों के ओपिनियंस को एंड दैट्स व्हाई वो रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से लोगों तक क्वेश्चंस को पहुंचाता है एंड आफ्टर दैट लोग खुद ही उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। ओके, एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ सैम्पल। सो इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग, वेदर इट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, वेदर इट इज एरिया सैम्पलिंग और वेदर इट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है बिकॉज एज द नेम सजेस्ट सेल्फ सिलेक्टेड,
सो सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक में पार्टिसिपेंट्स खुद ही रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो खुद ही हमारे रिसर्च का एक भाग बनते हैं, वो खुद ही हमारे एक टारगेटेड ग्रुप का भाग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जियो क्वेश्चंस पूछता है रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से, बट यहाँ पे पीपल खुद ही उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे बिकम अ पार्ट ऑफ सैम्पल, एंड दैट्स वाई लोगों ने खुद उसको उनको सिलेक्ट किया है ताकि वो रिसर्च का एक भाग बन सके। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग। जैसे यहाँ पे लोग खुद ही एज अ सैम्पल करके रिसर्च में पार्टिसिपेट वैसे भी हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इसमें एक बायस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर रैंडमली तो सैम्पल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, लोग खुद ही आ रहे हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली लोग आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो रेडियो इस्तेमाल करते हैं एंड जो न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसने क्वेश्चंस तो रेडियो एंड न्यूज़पेपर के आधार से पूछे हैं, राइट, एंड दैट्स वाई सिलेक्टेड पीपल ही आ रहे हैं ग्रुप्स में। ओके, दैट्स वाई ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, बिकॉज दिस इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया एंड मल्टी स्टेज, ये तीनों भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। एंड आप सभी को पता है नाउ व्हाट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप पूरे पॉपुलेशन को एक सब ग्रुप्स में बनाते हो एंड आफ्टर दैट उन्हीं सब ग्रुप्स को आप एज अ होल रैंडमली सिलेक्ट करते हो एज अ सैम्पल, राइट। एरिया सैम्पलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक लोकेशंस होते हैं, और यू कैन से कि जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, एंड उन्हीं जियोग्राफिकल एरियाज को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो एज अ सैम्पल इन द स्टडी। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आप कई स्टेजेस का इस्तेमाल करके सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि आपने देखा कि टू स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, वैसे ही। ओके, एन इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टू बी यूज वुड बी। नाउ रिसर्चर चाहता है कि वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का स्टडी कर सके, सो इसके लिए वो किस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। सो वेदर ही विल यूज़ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक और कोटा और स्ट्रेटिफाइड और पर्पजिव। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटर पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज यहाँ पे उसको पर्पजिवली वही चिल्ड्रंस चाहिए जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उसको और कोई भी पार्टिसिपेंट उसके स्टडी में नहीं चाहिए, एंड दैट्स व्हाई जो चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है वही उसको चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्पजिव सैम्पलिंग। सो दिस इज नॉट एक्चुअली रैंडम, सो दिस कम्स अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, एंड दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में अगर इन्वेस्टिगेटर किसी भी प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, देन इट वुड बी द पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक, बेसिकली दिस इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। अगर एक्सीडेंटली रिसर्चर किसी पार्टिसिपेंट के साथ मिलता है, देन वो उसको उसके रिसर्च में ले लेता है, बिकॉज वो उसके लिए कन्वीनियंट है। ओके, कोटा सैम्पलिंग में आप सभी को समझा चुकी ही व्हाट इज़ दैट। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4। एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। नाउ यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर स्टडी करना चाहता है वो भी किनके ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स है उनके ऊपर। ओके, एंड दैट्स वाई ऐसे सिचुएशन में वो कौन से सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। सो वेदर ही विल यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटर पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज उसको सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स के ऊपर स्टडी करना है, वो भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट्स व्हाई उसके पास एक प्रॉपर पर्पज़ है कि एग्जैक्टली उसको किन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर स्टडी करना है।
दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करेगा जो पॉलिटिकली एक्टिव लीडर्स है इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो सिंपली आप टारगेट पॉपुलेशन में से रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. ओके, कोटा सैम्पलिंग में तो आप सब ग्रुप्स बनाते हो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट आप कन्वीनियंटली फ्रॉम दैट सब ग्रुप्स सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. स्नोबॉल सैम्पलिंग में तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, ओके, जिसमें आप बेसिकली बोलते हो आपके पार्टिसिपेंट्स को कि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में इनवाइट करो, उनको स्टडी में भाग लेने के लिए इनकरेज करो. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्सनल बायस इज पॉसिबल अंडर. नाउ पर्सनल बायस इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक में पॉसिबल है? देखो स्टूडेंट्स, पर्सनल बायस का मतलब होता है कि आपके रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स या फिर रिसर्चर के ओपिनियंस के मुताबिक, देन उनके कल्चर के मुताबिक या फिर उनके सिस्टम्स के मुताबिक चेंज हो जाते हैं, ओके. एंड अगर रिजल्ट्स इन किसी भी चीज़ की वजह से चेंज हो जाते हैं रिसर्च के, देन उसे पर्सनल बायस कहा जाता है, बिकॉज पर्सनल चीज़ों की वजह से रिसर्च के रिजल्ट्स चेंज हो रहे, ओके, या फिर उनको एक प्रकार का इफेक्ट हो रहा है. सो वेदर इट इज रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड या फिर सिस्टमैटिक, ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, राइट? बट सिर्फ पर्पसिव सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. एंड देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायस होता है बट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं होता है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2. एंड वन मोर थिंग इज दैट पर्पसिव सैम्पलिंग में, जैसे कि देखो, रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है, ओके, और जिनके पास उसका काम है या फिर जिनके पास वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो रिसर्चर को स्पेसिफिकली चाहिए. एंड रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्पस ओनली वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिसर्चर का एक पर्सनल बायस होता है, ओके. एंड दैट्स वाई रिसर्चर अपने ओपिनियंस के मुताबिक रिसर्च के रिजल्ट्स को चेंज भी कर सकता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर गिवन प्रेफरेंस? नाउ अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के साथ अगर रिसर्च करोगे देन इनमें से कौन से सैम्पलिंग मेथड्स को आप प्रेफरेंस दोगे? सो वेदर इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का मतलब है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, यानी कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के आधार पर रिसर्च कर रहे हो. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा यूज़ कर रहे हो एंड उसी न्यूमेरिकल डेटा को आप यू नो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के आधार से क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ओके. एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से रिसर्च कर रहे हो देन इन दैट सिचुएशन आप जिस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करोगे, सो बेसिकली दोज आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आप रैंडमली सैम्पल्स को चूज कर सकते हो. एंड देखो, अगर आप किसी भी टारगेट पॉपुलेशन में से अगर आप रैंडमली सैम्पल्स को चूज कर सकते हो देन इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वांटिटीज ज़्यादा आती है. मतलब जो डेटा जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स होते हैं. बट अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम की बात करोगे देन उसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है एंड दैट्स व्हाई यू कांट पिक देम बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल्स. एंड दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की सख्त ज़रूरत पड़ती है बिकॉज उसमें रिसर्चर उन्हीं स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को चाहता है.
एंड दैट्स वाई पर्पजिवली वो उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. ओके, उसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं होता है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई इन दिस क्वेश्चन देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. एंड दैट्स वाई योर आंसर शुड बी टू, बिकॉज ए बी ई आर योर करेक्ट आंसर्स. बिकॉज ये सैम्पलिंग मेथड्स आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में यूज करोगे, बट अगर कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग है, देन ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. सो बेसिकली इनको आप क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में यूज करोगे. ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू. क्वेश्चन 10 इज वॉट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. सो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है? सो वेदर इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर कोटा या फिर स्नोबॉल. सो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का मतलब होता है कि वो टारगेट पॉपुलेशन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव है. सो इसका मतलब है कि उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टारगेट पॉपुलेशन में होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से जो सैम्पल आप सिलेक्ट करते हो उसे रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल कहा जाता है. बिकॉज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर उन्हीं सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक टारगेट पॉपुलेशन में होने चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर इज बायसनेस. यहाँ पे होती है बायसनेस का मतलब होता है कि वो जानबूझ के वही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. यहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं होता है जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है. देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड फ्रॉम दैट टारगेट पॉपुलेशन आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे ही आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, देन इसमें आप ऐसे अश्योरेंस नहीं दे सकते हो कि आपने जिन सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है वो पूरे टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है. यानी कि उसके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टारगेट पॉपुलेशन में है, इसके लिए आप कोई भी अश्योरेंस नहीं दे सकते हो बिकॉज आपने रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है. बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है. यू नो बेसिकली वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सैम्पल एंड एज वेल इन द पॉपुलेशन, एंड दैट्स वाई पॉपुलेशन में जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही आपके सैम्पल्स में भी होते हैं. एंड दैट्स वाई आपका जो सैम्पल होता है वो पूरी तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है ऑफ द होल टारगेट पॉपुलेशन. एंड देखो, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है. दैट्स वाई ये तो दो आंसर्स नहीं आएंगे बिकॉज ये इसमें इसी का एक भाग है. ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.